महाराष्ट्र में सीएम योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियां आज होंगी। कोल्हापुर दक्षिण विधानसभा में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। कराड़ उत्तर विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। भोसरी विधानसभा में रैली को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आने वाले हैं। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज चुनावी प्रचार प्रसार में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। स्टार प्रचारक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज ताबड़तोड़ जनसभाएं करते हुए नजर आएंगे। महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ की रैलियां हैं, साथ ही साथ तीन जनसभाओं को भी वो संबोधित करेंगे। कोल्हापुर दक्षिण विधानसभा में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। कराड़ उत्तर विधानसभा में भी जनसभा को संबोधित करेंगे और भोसरी में भी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहा है, महाराष्ट्र में प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंकते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिखाई पड़ रहे हैं। आज ताबड़तोड़ रैलियां वो करेंगे, तीन जनसभाओं को भी संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नंदन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। नंदन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं, आज भी ताबड़तोड़ रैलियां हैं, जनसभाओं को संबोधित करेंगे, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल साहिल, देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री काफी चर्चित मुख्यमंत्री हैं और वजह है कि उनका जो चेहरा है वो हिंदुत्व वाला चेहरा है और कहीं ना कहीं उसी का लाभ उठाने के लिए, चूंकि एक जो प्रचारक के रूप में देखा जाए और एक महत्वपूर्ण फेस के रूप में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और यही वजह है कि महाराष्ट्र में जाकर आज हुंकार भरेंगे। हालांकि इससे पहले भी कई बार महाराष्ट्र के दौरे पर रहे हैं वो और कहीं ना कहीं वहां के वोटर्स को आकर्षित करने के लिए जो भी शब्दावली यूज करते हैं वहां के वोटर्स उनको पसंद करते हैं और यही वजह है कि महाराष्ट्र में पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने झोंक रखी है। हालांकि 20 तारीख को चुनाव है, महज 3 दिन ही बचे हैं, तीसरे दिन चुनाव होने वाला है और इसको लेकर जो इतनी भी जनसभाएं हैं वो लगातार कर रहे हैं। आज 3 जनसभाएं हैं, यानी कि इससे पहले अगर देखा जाए तो 6 नवंबर को और 13 नवंबर को महाराष्ट्र में रैलियों को संबोधित किए थे वो और कहीं ना कहीं वहां के वोटर्स को आकर्षित करने के लिए जो भी कोशिश थी, रणनीति थी, वो पूरी तरीके से निभाए थे और आज एक बार फिर से 3 रैलियां वहां पे निकालेंगे और रैलियों में सम्मिलित होकर वहां के वोटर्स को कहीं ना कहीं लुभाने की करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साहिल, बिल्कुल, और नंदन जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, काफी प्रचलित हैं लोगों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा, इसीलिए स्टार प्रचारकों की सूची में अगर बात की जाए तो नंबर एक पर आते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ऐसे में महाराष्ट्र में पूरी ताकत यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने झोंकी हुई है और ऐसे में पूरा फायदा उठाने की पुरजोर कोशिश है योगी आदित्यनाथ का, जिस तरीके से वो लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करे भारतीय जनता पार्टी, इसको लेकर भी लोगों के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं और जो योगी मॉडल है उसका जिक्र करना नहीं भूलते हैं, क्योंकि योगी मॉडल पूरे देश भर में प्रचलित हुआ है। ऐसे में महाराष्ट्र में भी उसी मॉडल की तर्ज पर आगे काम होगा, ये दर्शाने की भी कोशिश की जा रही है। देखिए निश्चित तौर पर साहिल, इनके योगी मॉडल जो आपने नाम लिया ये सही भी है कि योगी मॉडल जब से ये अपने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए तब से ये इनका एक अलग ही कार्यशैली रही, एक एक शब्द को लेकर उन्होंने उस पे काम किया है, चाहे वो जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत बात करें, अपराधियों पर विराम लगाने की बात करें या फिर तमाम ऐसी योजनाएं लाए जिसको इन्होंने अलग पहचान दी, अलग नाम दिया और यही वजह है कि योगी मॉडल, जैसे कोविड में देखा गया था, हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश में काफी महत्वपूर्ण तरीके से कोविड को हैंडल किया गया था और तमाम ऐसे तरीके थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ का नाम रोशन किया और यही वजह है कि उसी छवि को लेकर वो महाराष्ट्र में भी हुंकार भरेंगे और देखने वाली बात होगी, क्योंकि वो एक योगी भी हैं और एक मठाधीश्वर भी है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, उनके जो शब्द निकलते हैं वो सीधे तौर पर स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं और यही लोगों को पसंद आता है और इसी का फायदा उठाने के लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इनको महत्वपूर्ण जगह पे रैलियों के लिए भेजती है, इनका रैली लगता है और ये साफ देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो छवि है उसको कहीं ना कहीं स्टार प्रचारक के रूप में शामिल करके उनको महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी उसका लाभ लेना चाहती है और यही वजह है कि आज महाराष्ट्र में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। इसके पहले भी रैलियां कर चुके हैं, जैसे मैंने बताया 6, 12 और 13 नवंबर को रैली में सम्मिलित हुए थे और आज एक बार फिर से रैली, चूंकि 3 दिन मैच बचे हुए हैं और वहां पे जिस प्रत्याशी का साथ प्रचार प्रसार करेंगे, जिस प्रत्याशी के लिए करेंगे वो मनोज भीमराव धानवडेकर का है और उनके पक्ष में ये प्रचार प्रसार वहां करने के लिए जाएंगे गए हैं महाराष्ट्र में। जी,
चलिए नंदन हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।